हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता साहू सीजी में आपका स्वागत है। और सुबह का समय है, आज मैं सब्जी लाने चल गई थी और देख सकते हैं कितना सब्जी लाई हूँ। पालक है, लाल साग है, सबको बैठ के मैं तोड़ रही हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी बोल के। और सब्जी सबको भी अंदर रखी हुई हूँ। और आप सबको जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। और अब मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। आज मैं थोड़ा लेट से ही अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी तोड़ते तोड़ते अभी मुझे मटर को भी छीलना है। और मेरा सब्जी देखिए, लाल साग सब्जी सब टूट गया है। अब किचन का काम स्टार्ट करती हूँ, तो चलिए मिलते हैं। सारा फैला हुआ है। चाउमीन बनाई थी वो भी थोड़ा सा है, और भी मुझे बनाना है चाउमीन, जो मैं शाम को बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ बादाम वाला बनाया। अब किचन सबको करती हूँ क्लीन, और करती हूँ डिनर का भी, लंच की तैयारी। तो सबसे पहले अंडा को बॉईल करने बैठा देती हूँ, क्योंकि आज मैं लंच में अंडा और फ्राइड राइस ही बनाने वाली हूँ। मेरा झाड़ू पोछा होते तक ये बॉईल होते रहेंगे। साथ साथ इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी, दोनों एक साथ बॉईल होते रहे। तो अंडा आलू हमारा बॉईल हो रहा है, होते आ गया है। अब मैं मलूंगी बर्तन, उसके बाद झाड़ू पोछा सब एक साथ करना है। अब देख सकते हैं सारा तरफ, इधर भाजी थोड़ी हूँ, पालक लाल साग तो सबको नहीं फेंक दी हूँ। अब करती हूँ झाड़ू पोछा, तो मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। देखते हैं, मेरा अंडा बॉईल हो चुका है, अब इसे मैं फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है अंडा आलू की सब्जी। साथ ही साथ ले लेती हूँ खजार, इसमें मैं अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट रेडी करती हूँ। तो देखिए, तो अभी सबको मैं पीस लेती हूँ। उधर अंडा मेरा फ्राई हो गया है, पीस गया। अब इसी में साथ साथ मैं टमाटर को भी पीस लेती हूँ। तो टमाटर मैंने डाल दिए हैं, करके मिक्स कर पीस लेती हूँ। अंडा को मैंने निकाल दिया, अब मैं ऐड करती हूँ आलू को फ्राई देने के लिए। मैंने मेथी और प्याज का मैं फ़ौरन देती हूँ। ठंडा में मेथी का फ़ौरन देने से बहुत ही अच्छा लगता है। अब इधर हमारी आलू भी फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल देते हैं। अब डालती हूँ प्याज, मेथी, जो मैंने पेस्ट रेडी किया है उसे अब डाल देती हूँ। हमारा प्याज भी ब्राउन हो गया, मेथी भी ऐसे हो गया। साथ ही साथ डालती हूँ हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, सबको डालती हूँ हम लोग का मिक्स मसाला, जिसमें सभी चीज़ मिक्स है, बस इसे ऐसे ही डालना है। देख सकते हैं, एक चम्मच, दो चम्मच, अब देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। तो हमारा मसाला पूरी तरह से भून गया, देख सकते हैं आप, तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी मटर। अब इसमें मैं डालूंगी आधा गिलास पानी। आप चाहे तो इसको सूखा भी रख सकते हैं, मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं ग्रेवी के लिए आधा गिलास पानी डालूंगी। मुझे ग्रेवी अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल दूंगी। और साथ ही साथ डालूंगी अंडा और आलू।
देख सकते हैं हमारी सब्जी का कलर कितना सुंदर है। अब इसे ढक के थोड़ा देर के लिए पका लेते हैं। फिर बन गया हमारा अंडा आलू की सब्जी। तो आप देख सकते हैं मेरी अंडा आलू की सब्जी हो गई है, इतना सुंदर कलर आ गया है। तो चलिए अब करते हैं गैस को ऑफ। मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैंने ग्रेवी रखी है। और देख सकते हैं इतना सारा बर्तन है जो मुझे साफ़ करना है फटाफट। आपको बर्तन साफ़ करने के बाद मिलते हैं। चलिए देखते हैं, मेरा किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है। गैस सब साइड देख सकते हैं, मैंने गैस वैस को भी साफ़ कर दिया है। और इतना सारा बर्तन था जो आप देख सकते थे, और दूध भी बैठा दी हूँ और बर्तन पूरी साफ़ हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, आपको नहाने के बाद मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं नहा के निकल गई, आज बाल धोना था इसीलिए थोड़ा बाल को सुखा रही थी। अब मैं खा रही हूँ, आप देख सकते हैं अमरूद। चलिए इसे काट के खाते हैं। तो अमरूद हम काट लेते हैं। अब इसमें डालते हैं काला नमक, थोड़ा देखती हूँ मीठा है कि नहीं। मीठा है, अब डालते हैं इसमें काला नमक। इसमें भर भर के डाली हूँ मैं काला नमक। तो चलिए खाते हैं। मीठी है, अमरूद आपको फिनिश करने के बाद में। तो लंच के लिए मैंने चावल बैठा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब बनाती हूँ मैं फ्राइड राइस। तो चलिए बनाते हैं। राइस के लिए मैंने पहले कढ़ाई बैठाई है, अब डालूँगी ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने सारा सब्जी उसी समय चाउमीन के लिए काट ली थी, जिसमें है प्याज साग है जो, और गाजर है, बीन्स है, प्याज है, प्याज साग अलग है, प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन बोल सकते हैं आप उसको। इन सबको अब मैं डालती हूँ आसान। अब दो हरी मिर्च डालूंगी, हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है। और देखिए इधर मेरे चावल पक रहे हैं। आप देख सकते हैं राइस बन गया है और इधर ये भी रेडी है। तो चलिए रेडी करते हैं। साथ ही साथ अब मैं डालती हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार और करती हूँ मिक्स। तो देख सकते हैं हमारा राइस रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा चूल्हा में करके प्रणाम कर लेती हूँ। तो हमारा लंच रेडी हो गया है। इधर राइस है और ये है अंडा आलू मटर की सब्जी। देखिए तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं सेक लेती हूँ पापड़। तो
तो हमारा लंच रेडी हो गया है, अब हम लंच करके मिलते हैं। तो चलिए खाते हैं। देख सकते हैं हमारा लंच हो गया, अब कर रही हूँ बर्तन साफ। तो चलिए बर्तन साफ करके मिलते हैं। फटाफट बर्तन को साफ कर देती हूँ। तो आप बनाने जा रहे हैं चाउमीन। सुबह भी मैंने चाउमीन बनाई थी और अब फिर बनाने जा रही हूँ। उस सुबह मैंने बादाम वाली बनाई थी बिना सॉस वाली, अब मैं बनाने जा रही हूँ सॉस वाली, क्योंकि मुझे सॉस वाली पसंद है। तो चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन। गैस ऑन कर दिया है, अब डालती हूँ ऑयल। डालने के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लिया, थोड़ा लहसुन और मिर्च ढेर सारा, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। तो अब मैं डाल देती हूँ सबको। अब मैं डालती हूँ ढेर सारा सब्जी, जिसमें है गाजर है, स्प्रिंग ऑनियन है, प्याज है, बीन्स है, शिमला है, सब मिक्स है। ढेर सारा सब्जी और चाउमीन खाने में मुझे बहुत ही मज़ा है और साथ ही देता तो सारी सब्जियों को देख लीजिए, अच्छा से भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा। अब देख सकते हैं मैंने सारे सॉस को निकाल दिया। ये है सोया सॉस। अब सब सॉस को मैं डालती हूँ, चाउमीन को डालूंगी। चाउमीन डाल दीजिए, गैस को कर देती हूँ स्लो में। डालती हूँ सॉस, मैंने डाल दी है सोया सॉस, टमाटर, चिली सॉस थोड़ा सा, और डालती हूँ टमाटर सॉस। अब डालती हूँ नमक, अब स्वाद अनुसार नमक। सबको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमारा चाउमीन रेडी होते हुए हो गया है, अब खाते हैं। हमारा चाउमीन रेडी हो गया गर्मा गर्म, तो चलिए खाते हैं। अभी एक ग्लास, एक बोतल पानी लाना ना।
तो चलिए आप लोगों से मैं खा के मिलती हूँ चाउमीन। मेरा डिनर रेडी हो गया है और मैं खा रही हूँ। डिनर में क्या है, अंडे की सब्जी है, रोटी है। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मैंने बेटा को भी दे दिया है और मैं भी खा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे कि नहीं। तो चलिए करते हैं डिनर।